बच्चों आज हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जो पाचन की प्रोसेस पढ़ा है, पाचन के प्रोसेस के अंतर्गत जो अंतर्ग्रहण है उसके डिटेल्स जाना है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाचन कि पाचन होता कैसे है ना, या पाचन किसे कहेंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा पहले भी रिपीट हो चुकी है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, चाहे वो जंतु उत्पाद हो या वनस्पति उत्पाद, और उन ग्रहण किए हुए भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे जो है सरल अणुओं में तोड़ते हैं, और इतना छोटे अणुओं में तोड़ते हैं कि वो जो है शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो सके और शरीर के लिए कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर सके, उस प्रोसेस को कहा जाता है पाचन। ठीक है, पाचन का मतलब पचना, अर्थात जो भोजन के जो जटिल पार्टिकल्स हैं, चाहे वो जंतु उत्पाद हो या वो वनस्पति उत्पाद हो, वो जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े जो कण हैं, वो छोटे अणुओं में या छोटे कणों में टूट जाते हैं, है ना, तभी वो जो है हमारे लिए उपयोगी है। और यदि ऐसा नहीं होता, नहीं टूटता है, तो फिर अनुपयोगी है, वो वर्ज्य पदार्थ के रूप में बहिक्षेपण की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। पाचन की क्रिया जो है जटिल प्रक्रिया है, जो पूर्णता एंजाइमेटिक है ना, पूर्णता एंजाइमेटिक है, जिसकी भोज्य पदार्थों को पचने के लिए एंजाइमों की आवश्यकता है, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जल की, क्योंकि हमारा शरीर जो है जल से बना हुआ है ना, हमारे शरीर का, शरीर की कोशिका का जो है 70 से 90% भाग जल है, शेष अन्य पदार्थ हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए और जितनी भी जैविक क्रिया है उसको सही रूप में संचालित करने के लिए जल की आवश्यकता है। तो जल की उपस्थिति और एंजाइमों की उपस्थिति या प्रकीर्ण की उपस्थिति में ही जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में टूटते हैं, ताकि उसको आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। क्योंकि हमारे जो 12वीं का जो कोर्स है वो मनुष्य के परपक्ष में है, है ना, साथ में हम दूसरे जंतु को भी बता रहे हैं, फिर भी ज्यादातर मनुष्य के परपक्ष में है। तो हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ पर हो रहा है, आंत में हो रहा है। तो आंत में पहुंचने के पहले उस भोजन के पार्टिकल्स का या कणों का जो है छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटना आवश्यक है, तभी वो अवशोषित होगा, अन्यथा उसका अवशोषण संभव नहीं है। पाचन की क्रिया जो है भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में जलीय अपघटन किया जाता है, है ना, और जलीय अपघटन करके जो है उसको शरीर की कोशिकाओं में मिला दिया जाता है। अब जो पाचन की जो वो है प्रोसेस है या पाचन जो है, ये मुख्य रूप से जीवों में दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है अंतःकोशिकीय पाचन, और दूसरा है बाह्यकोशिकीय पाचन। अब यहाँ पर दो प्रकार होगा इसके, अंतःकोशिकी का मतलब क्या होता है और बाह्यकोशिकी का मतलब क्या होता है। अंतःकोशिकी पाचन उन जीवों में होता है जिनका शरीर बहुत ज्यादा सरल होता है। कौन से जीवों का शरीर ज्यादा सरल होता है, जो एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी जीव होते हैं, है ना, उन जीवों का शरीर बहुत सरल होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई पाचक अंग या विशेष ऑर्गन्स जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, अंगों का जो है विकास नहीं हुआ रहता, है ना। तो ऐसे जीवों में जो है भोज्य पदार्थ को सीधे उनके शरीर के कोशिका के अंदर ही पाचन किया जाता है। ठीक है, जो सरल जीव होते हैं या निम्न वर्गीय जो जीव होते हैं, उन जीवों में किसी भोजन को पचाने के लिए जो है कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, इस कारण उन जीवों में जो भोजन के अणुओं का या भोज्य पदार्थों का जो पाचन जो है कहाँ होता है, सीधे उनकी कोशिका में, कोशिका के अंदर ही भोजन का पाचन होता है। तो उस पाचन को हम क्या कहेंगे, अंतः कोशिकी पाचन। जैसे अमीबा एक ही कोशिका का बना हुआ है ना, एक ही कोशिका का बना हुआ है और भोजन को अंतर्ग्रहण करेगा तो उसको पचाएगा कहाँ, कोशिका के अंदर ही पचाएगा, बाहर तो नहीं पचा सकता। ठीक है, तो उस प्रकार के पाचन की क्रिया को क्या कहेंगे, अंतः कोशिकी पाचन। दूसरा है बहुकोशिकी पाचन या बाह्यकोशिकी पाचन, है ना। बाह्यकोशिकी पाचन उन जीव में होता है जो उच्च वर्गीय होता है ना, जिनमें कोशिकाएं जो है समूह बनाकर उत्तक बनाए, उत्तक जो है समूह बनाकर क्या बनाए, अंग, और अंग जो है समूह बनाकर अंगतंत्र बनाए, और बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर जीव शरीर का
निर्माण किए, है ना। तो उन जीवों में जो है भोजन को सीधे कोशिका में पचाया नहीं जाता, बल्कि कोशिका के बाहर विभिन्न अंगों के माध्यम से वो भोजन पचता है, है ना। तो उस पाचन को हम क्या कहेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन, जिसमें भोजन के पार्टिकल्स जो है कोशिका में जाने के पहले क्या हो जाता है, पहले पच जाता है, और पचने के बाद कोशिका के द्वारा उसको स्वांगीकृत किया जाता है, उससे पहले स्वांगीकृत नहीं होगा। तो उस पाचन को हम क्या कहेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन। अब उच्च वर्गीय जो जीव है जितने भी, है ना, उन उच्च वर्गीय जीवों में भोजन को पचाने के लिए जो है पाचक अंग होंगे, है ना। वो पाचक अंगों की सहायता से उन भोजन के पार्टिकल्स जो है उनको अंगों में, पाचन अंगों में पहले डाला जाता है, अंतर्ग्रहित किया जाता है, और अंतर्ग्रहित किए हुए जो भोज्य पदार्थ को जो है शरीर के विविध भागों में ले जाकर पचाया जाता है। इसमें मुख्य भूमिका निभाता है जीवों में आहार नाल, कैलिमेंट्री कैनाल, उसी में जो है भोजन का पाचन होता है, और उसके साथ साथ सहयोगी होते हैं पाचक ग्रंथियां, जिसके द्वारा पाचक रस का सीक्रेशन होता है, पाचक रस रस का श्रावण होता है, है ना। और पाचक रस होते क्या है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उन एंजाइमों के माध्यम से भोजन को पचाया जाता है। फिर अगला हम लेते हैं पाचन अंग। पाचन अंग किसको कहेंगे, शरीर के वे अंग, किसी भी जीव के शरीर के वे अंग जो पाचन की क्रिया में जो है सहयोग करता है या मदद करता है, या जिन अंगों में जो है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, है ना, उन अंगों को हम क्या कहते हैं, पाचन अंग कहते हैं। जैसे हमारे मुंह, हमारे शरीर में पाचन अंग कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, मुंह है, है ना, मुंह के आगे एक नली है, है ना, ग्रसनी ग्रसिका, फिर आमाशय है, है ना, आंत है, अग्नाशय है, ये सब क्या कहलाएंगे, पाचन अंग कहलाएंगे, ठीक है। और पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अंगों को एक साथ, जो सब अंग जो है, बहुत सारे अंग आपस में जब जुड़ जाते हैं, है ना, तब वहां पर एक तंत्र बनता है जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। एक अंग को हम क्या कहेंगे, पाचन अंग कहेंगे, लेकिन पाचन की क्रिया में सम्मिलित होने वाले, भाग लेने वाले बहुत सारे और अंग हैं, उन अंगों को एक साथ सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। पाचन तंत्र बड़ा हो गया और पाचक अंग जो है छोटे छोटे हो गए, जैसे मुंह एक पाचन अंग हो गया, फेनिक्स हो गया, आमाशय हो गया, लेकिन उनको सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाएगा। हमें हमारे इस पाठ्यक्रम में मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, इसलिए हम देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार का होता है। मनुष्य एक सबसे विकसित जीवों की श्रेणी में आता है, है ना। क्यों विकसित जीवों की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी अंगतंत्र हैं, वो अंगतंत्र जो है वेल डेवलप्ड हैं, मतलब सुविकसित हैं, जितना उनको विकसित होना था, जितना उनका विकास होना था, उतने वो विकसित हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा विकास जो है किसका हुआ है हमारे शरीर में, मस्तिष्क का, इसलिए हम बुद्धिजीवी जीवों की श्रेणी में आते हैं, है ना। हम किसी भी बात को या किसी भी उसको जो है वस्तुओं को या चीज़ों को देखते हैं, भापते हैं, और भाप कर उसको अपने आधार पर उसको हम व्यक्त भी कर सकते हैं, जबकि दूसरे जीवों में भापते हैं, व्यक्त करते हैं, लेकिन व्यक्त करने की जो भाषा वो स्पष्ट नहीं होती। जैसे जानवरों को देखेंगे, है ना, जानवर भी उनको पलटो बोलने से पलट जाते हैं इशारा, लेकिन वो बोल नहीं सकते, है ना, बोलेंगे तो उसकी साउंड, उसकी जो उस समय की गतिविधि को हम उस समय नहीं पहचान सकते। तो मनुष्य चूंकि विकसित जीव की श्रेणी में आता है, इसलिए मनुष्य का जो पाचन तंत्र जो है वो सुविकसित है, है ना, जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। मनुष्य का जो पाचन तंत्र जो है कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, दो भागों से, एक भाग, पहला भाग कहलाता है आहार नाल और दूसरा भाग कहलाता है पाचक ग्रंथियां। ये दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो आहार नाल किसको कहेंगे, हमारे मुंह से एनस तक के एक नली है ना,
मुंह से मुगुहा से जहां मुंह हमारा खुलता है वहां से लेकर एनस तक गुदा तक जो है एक नली है, उस नली को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और उसी आहार नाल के साथ जुड़े हुए कुछ ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां मतलब जो गांठ के रूप में पाए जाएंगे, गिल्टी के रूप में पाए जाएंगे साथ में, है ना, वो कहलाता है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल का कार्य भोज्य पदार्थों को अंतर्गृहित किए हुए भोज्य पदार्थों को पचाना और पचाकर उसको आगे सर्कुलेट करना। और पाचक ग्रंथियों का कार्य होता है जो भोजन हमने ग्रहण किया है उस भोजन के उसमें उपस्थित जो घटक हैं उस घटक के आधार पर एंजाइमों का या प्रकीर्णों का सिक्रीशन करना, श्रावण करना, ताकि वो भोजन आसानी से पच जाए। ठीक है, तो ये इसके दो भाग हो गए। अब पहला भाग इसमें हम ले लेते हैं आहार नाल को। ठीक है, ये जो आहार नाल होता है मनुष्य का, ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। मनुष्य का जो आहार नाल है वो 8 से 10 मीटर लंबा है, जो कहां से शुरू हुआ, मुंह से शुरू हुआ और एनस पर खत्म हुआ। ठीक है, इसी के बारे में देखते हैं कि आहार नाल या पाचन तंत्र जो है ये जो है हमारा एक पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र बन रहा है ना, जो कहाँ से शुरू हुआ, मुंह से शुरू हुआ, ये नली जो है आगे बढ़ा, आगे जाके एक संकरा मार्ग में आके खुला, फिर ये जो नली है जो है वो आगे जाकर एक प्रकार के शीकम युक्त ये जो पहला भाग हो गया इसको कहते हैं माउथ, मुंह। ठीक है, यहां पर जो 12वीं और 11वीं का कोर्स है, थोड़ा सा जब हम स्ट्रक्चर का नामकरण करेंगे तो मेन इंग्लिश में किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया क्या, मुंह, माउथ। इसके आगे जस्ट जैसे हमारा ये मुंह है, मुंह में जो दो लीफ हैं, लीफ को खोलते हैं ऊपर से, है ना, तो क्या दिखाई देता है, गुहा दिखाई देता है, खोल, गुहा मतलब खोल, है ना, वो खोल दिखाई देता है, उसको कहते हैं बक्कल कैविटी या मुख गुहा। तो पहला पार्ट पाचन तंत्र का क्या हुआ, बक्कल कैविटी, है ना, मुंह सामने जो है उसको बोल दिए मुंह, लेकिन वो जैसे ही उसको खोले तो एक गुहा नजर आया जिसको क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, है ना। ये बक्कल कैविटी को मतलब मुख गुहा को जैसे हम खोलते हैं एक भाग जो है ऊपर जाता है और दूसरा भाग नीचे आता है। तो ऊपर जो भाग है उसको जैसे वो खोलते हैं तो ऊपर एक वो दिखाई देता है, दांतों का समानांतर क्रम में लगा हुआ संरचना दिखाई देता है ना, वो कहलाता है अपर जा, ऊपरी जबड़ा, और जो नीचे जाता है वो कहलाता है लोअर जा या निचली जबड़ा। ठीक है, तो दो जबड़े हो गए, उन जबड़ों में क्या हो पाया जाता है, दांत। ठीक है, इसके अलावा जो जबड़ा जैसे खुलता है तो दांत के अलावा उसके जस्ट पीछे एक गर्त है ऊपर, है ना, वो तालू कहलाता है। तो ऊपर की ओर जो है वो ऊपरी तालू कहलाता है, नीचे की ओर जो है वो निचली तालू कहलाता है। ठीक है, तो मुख गुहा खोलने पर क्या क्या संरचनाएं हमको मिल गए, एक तो मुख गुहा, फिर जबड़े, दो जबड़े हुए, नीचे के जबड़ा,
निचला और ऊपर का जबड़ा ऊपरी जबड़ा, ठीक है, अपर जा और लोअर जा। उसके अलावा ऊपर की ओर जो तालू है मतलब छत है, तालू मतलब जैसे ये बिल्डिंग हो गया, तो इसका तालू बोलने से या इसका छत बोलने से कौन होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा होगा, है ना। उसी प्रकार ये मुख गुहा जैसे खोलता है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है कहलाता है ऊपरी तालू, और जो निचला वाला होता है वो कहलाता है निचला तालू। शाफ्ट रहता है, जो निचला वाला शाफ्ट रहता है और ऊपर वाला कठोर रहता है, ठीक है। इसलिए ऊपर को कठोर पैलेट कहते हैं और नीचे हार्ड पैलेट कहते हैं और नीचे को शाफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी मुख गुहा पर जीभ भी है, है ना। जीभ का कार्य क्या है, स्वाद का ज्ञान कराना, मतलब स्वाद लेते हैं, है ना। तो जीभ जो है उसके जस्ट नीचे, जीभ को बाहर निकाले या जीभ को थोड़ा सा ऊपर मोड़ के उठाएं, तो उसके नीचे पाचक ग्रंथियां हैं साथ में, है ना। उन पाचक ग्रंथियों को कहते हैं लार ग्रंथि। तो एक जोड़ी जो जो लार ग्रंथि है वो कहां है, जीभ के जस्ट नीचे। एक जोड़ी जो लार ग्रंथि है वो कहां है, तालू में ऊपर, ठीक है, मतलब ऊपर छत में। और एक जोड़ी जो लार ग्रंथि है वो कहां है, हमारे दोनों कान या कान के सीध में, मतलब जीभ से दोनों जीभ के साइड से ऐसा, है ना, वहां पर स्थित है। तो कितने जोड़ी लार ग्रंथि हो गए, तीन जोड़े। ये भी संरचना कहां पाया जाता है, आपके इसी भाग में पाया जाता है, बक्कल कैविटी में, ठीक है। तो इसमें संरचनाएं हो गई मुख गुहा, जबड़े, तालू, है ना, फिर ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। इसके अलावा चलिए दांत के बारे में बताया गया। तो दांत जो है प्रत्येक मनुष्य में विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई द्विबार दंती होती हैं, कोई गर्त दंती होती हैं, कोई गर्त दंती मतलब धसा हुआ होता है, कोई बाहर निकला हुआ होता है, है ना, वो कहलाते हैं दांत। तो मनुष्य में जो दांत जो होते हैं वो दो बार जगते हैं, मनुष्य के जीवन में दांत कितने बार जगते हैं, दो बार, ठीक है। और वो दो बार जो दांत जगते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं, चार प्रकार के, ठीक है। मनुष्य के जो दांत है कितने प्रकार के होंगे, चार प्रकार के। पहला को कहा जाता है कृदंत, दूसरा कहा जाता है रदनक, तीसरे को कहा जाता है अग्रचमर्णक, और चौथे को कहा जाता है चमर्णक। दांत जो है टोटल कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के। पहला हो गया कृदंत, दूसरा हो गया रदनक, तीसरा हो गया अग्रचमर्णक, और चौथा हो गया चमर्णक। इसमें से इसको कहते हैं इंसाइजर, जिसका सिंबल लिखते हैं आई। इसको कहते हैं केनाइन, जिसका सिंबल लिखते हैं सी। इसको कहते हैं प्रीमोलर, जिसका सिंबल लिखा जाता है पी। और चमर्णक को कहते हैं इंग्लिश में मोलर, जिसको सिंबल लिखते हैं एम, ठीक है। ये टोटल चार प्रकार के दांत हो गए। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या मतलब कृदंत के चूंकि दो क्रम में है, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में, है ना। तो ऊपरी जबड़े में जितने दांत होंगे उतने निचले जबड़े में होंगे। ऊपर जबड़े में मान लो रदनक की संख्या दो है तो नीचे भी कितना होगा, दो होगा। उसी प्रकार रदनक की संख्या मान लो ऊपर एक है तो नीचे भी कितना होगा, एक होगा। अग्र चमर्णक ऊपर दो है तो नीचे भी दो होगा, है ना। तो एक वयस्क व्यक्ति में इसकी संख्या होती है दो, इसकी संख्या होती है एक, इसमें से इसकी संख्या होती है दो, और इसकी संख्या होती है तीन, ठीक है। अब यहां पर ये जो चार प्रकार के दांत हैं, चारों का अलग अलग कार्य है, है ना। जो जैसी मुंह हम खोलते हैं और सबसे पहले जो दांत दिखता है वो दांत कहलाता है कृदंत, इंसाइजर, है ना। इंसाइजर जिसका कार्य होता है, चूंकि ये हमारे हमारे मुख गुहा में इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जो चूहे होते हैं, है ना, चूहा में जो दांत देखे हैं बहुत नुकीले रहता है, दो ठो रहता है सामने में एकदम, है ना। वो क्या कार्य करने का कार्य करता है, कुतरने का, है ना। कुतरने का मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ को क्या करना, उसको ऐसा कुतर कुतर के क्या करना, खाना, है ना। तो ये दांत का कार्य क्या होता है, कुतरने का। दूसरा हो गया रदनक, तो जो फर्स्ट दांत हो गया उसके साइड में एक एक की संख्या में जो दांत है, है ना, वो कहलाता है रदनक। क्या कहलाएगा, रदनक या केनाइन। इसका कार्य है चीरने फाड़ने का। चीरने फाड़ने की आवश्यकता कब होती है, आज की स्थिति में हर व्यक्ति जो है
घरों में सुबह सुबह किसका इस्तेमाल करता है, ब्रश का। उससे पहले क्या करते थे, दातुन करते थे, है ना। तो दातुन को जो है घिसने के पश्चात, चबाने और घिसने के पश्चात क्या करते थे, उसको फाड़ना है, ठीक है। चलिए वो अभी आप लोग वो नहीं कर रहे हो, तो फाड़ने के लिए किस दांत को उपयोग करोगे, जिस दांत को उपयोग करोगे वो दांत क्या कहलाएगा, रदनक। गन्ना तो खाते होंगे, है ना, गन्ना खाते हैं ना। तो उस गन्ने को छीलने के लिए जिस दांत का आप उपयोग कर रहे हो, मतलब गन्ने को फाड़ने के लिए आप जिस दांत का उपयोग कर रहे हो, वो दांत कहलाता है रदनक, केनाइन, है ना। और उसके बाद अग्र चवर्णक और चवर्णक, जिसको हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, दाढ़ा, ठीक है। तो जो सामने के जो दाढ़े हैं उनको कहते हैं अग्र चवर्णक या प्रीमोलर, और जो पीछे जो दाढ़े हैं उनको कहते हैं चवर्णक। ये दांत एक साथ नहीं उगते, 32 की संख्या एक साथ नहीं होती, है ना। दो बार जगता है, मतलब शुरू में जो दांत जगेंगे बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, जिस जो जो है लगभग 6 वर्ष की आयु में पूर्णता झड़ जाते हैं, उनकी संख्या होती है 20, ठीक है। शुरुआत में जो दांत निकलेंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 20 होगी, जिसको दूध के दांत बोलेंगे, और वो कुछ समय पश्चात वो झड़ जाता है। लेकिन जब उसके बाद 6वां से 7वां साल शुरू होता है, तो जब दांत जगना शुरू होते हैं, तो फिर से स्थायी दांत बनेंगे, और वो स्थायी दांतों की संख्या पहले होती है 28, और उसके बाद होता है 32। 32 एक साथ नहीं होता। तो 32वां कब होगा, जब हम पूर्ण रूप से वयस्क हो जाएंगे तब। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी वयस्कता का, मतलब वयस्क अवस्था में वो पहुंचा है, उसका पहचान करने का एक अच्छा तरीका है, जिस दिन आपके उम्र जो है 18 से 22 के ऊपर हो जाएगा, और जिस दिन आप, जब वो दांत निकलना शुरू होगा, दर्द होगा आपको, है ना, मतलब बहुत असहनीय तकलीफ होगा, उस दिन आप समझ जाइए कि आप पूर्ण रूप से वयस्क हो गए। अभी यहाँ पे कोई वयस्क नहीं है, है ना। जिस दिन आपके जो 32वां दांत, मतलब 28 के बाद जो 4 जो दांत बचे हुए हैं वो जगना शुरू होंगे, तो उसमें आपके मुख गुहा में जो है दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, उस दिन पता, मतलब उस दिन ये पता चल जाएगा कि हमारे जो दूध के दांत, मतलब स्थायी दांत, मतलब 32वां दांत जो है अब निकलने वाले हैं, और हम अब जवान हो गए, ठीक है, उस दिन पता चलेगा। तो ये इस प्रकार से टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। अब यहां पर लिखा जाता है दंत सूत्र, है ना, इसको ज्यादातर आपकी परीक्षा में भी इसको पूछा जाता है। दंत सूत्र में क्या करते हैं, ऊपरी जबड़ों में, ऊपरी जबड़े के भाग में पाए जाने वाले दांतों की संख्या और निचले जबड़े में पाए जाने वाले दांतों की संख्या के अनुपात गुणित 2 कहलाता है दंत सूत्र, ठीक है। चलिए इसको डायग्राम को बना लीजिए। दंत सूत्र में जो ऊपरी जबड़ों में, ऊपरी जबड़ों के भागों में पाए जाने वाले दांतों की संख्या और बटे निचले जबड़ों में पाए जाने वाले दांतों की संख्या के अनुपात गुणित 2, है ना, कहलाता है दंत सूत्र। हमने अभी 4 प्रकार के वो लिखे थे, दांत लिखे थे, है ना, सिंबल। तो दंत सूत्र को हम सिंबल के रूप में लिखे, आई अपान आई कॉमा सी कॉमा पी कॉमा एम। इसी प्रकार नीचे में भी आई कॉमा सी कॉमा पी कॉमा एम इंटू 2, ये कहलाता है दंत सूत्र। अब दंत सूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दूध के दांत का दंत सूत्र, है ना, और दूसरा स्थायी दांत का दंत सूत्र। तो दूध के दांत का दंत सूत्र लिखें तो क्या लिखेंगे, दूध के दांत का दंत सूत्र बराबर आई कॉमा सी कॉमा पी कॉमा एम अपान आई कॉमा सी कॉमा पी कॉमा एम इंटू 2, मतलब गुणित 2। अब यहां पर मान रख दें तो इसकी संख्या होती है 2, इसकी संख्या होती है 1, इसकी संख्या होती है 0, इसकी संख्या होती है 2, कितना हो गया, 2 और 1 3 और 2 5। इसी प्रकार यहां भी होगा 2, यहां होगा 1, यहां होगा 0, यहां होगा 2, गुणित 2 बराबर आएगा 20। कैसे 20 आया, 2 1 3 और 2 5, 5 दुनी
दस, दस दांत कहाँ होंगे? ऊपरी जबड़े में, ठीक है। फिर दो एक तीन और दो पांच, पांच हो गया, पांच गुणित दो कितना हुआ? दस। तो निचले जबड़े में दांत कितने होंगे? दस, दस और दस बीस। तो दूध के दांत का दंत सूत्र में टोटल संख्या क्या निकलेगा? बीस निकलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्थाई दांत का दंत सूत्र। जो स्थाई दांत जो एक बार जगने के बाद कब झड़ते हैं? जब बुढ़ापा आता है तब, है ना। तो उस दांत का दंत सूत्र क्या होगा? तो फिर से सूत्र के रूप में वही होगा, आई कामा शी कामा पी कामा एम अपान आई कामा शी कामा पी कामा एम इंटो टो गुणे दो, है ना। इसमें मान रख दें तो ये हो जाएगा दो, फिर एक, फिर दो और फिर तीन, फिर नीचे में भी होगा दो, फिर एक, फिर दो और फिर तीन गुणित दो बराबर बत्तीस। कैसे बत्तीस हुआ? दो एक तीन, दो पांच और तीन आठ, आठ दूनी सोलह। ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होगी? सोलह होगी, ठीक है। नीचे दो एक तीन, दो पांच और तीन आठ, ये आठ हो गया, आठ गुणित दो बराबर कितना होगा? सोलह, ठीक है। तो निचले जबड़े में दांतों की संख्या कितना हो गया? सोलह। तो सोलह और सोलह बत्तीस। इस प्रकार से ये स्थाई दांतों का दंत सूत्र है, ठीक है। एक हो गया एक तरफ दूध के दांत, दांत का दंत सूत्र, और दूसरी तरफ स्थाई दांतों का दंत सूत्र। अब ये तो हो गया पाचन तंत्र का पहला भाग, जिसको हमने क्या नाम दिया? बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा के आगे को यदि हम देखें तो यहां पर एक ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग में, जिसको पैरोटिड गैलेंट्स के नाम से जाना जाता है, पैरोटिड गैलेंट्स कहते हैं। ये जो भाग जो है, नली जो है, आगे चलकर ऐसा मुड़ा हुआ है, ठीक है, यहीं पर एक ग्लॉटिश होता है, ये कहलाता है फायरिंग्स, ग्रसनी, जो हमारा आहार नाल का दूसरा भाग क्या हुआ? फायरिंग्स, ठीक है। ये फायरिंग्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, तीन इसलिए होते हैं क्योंकि तीन नलियां जो है उससे होकर गुजरता है। तीन नली कौन कौन से हो गए? एक पाचन नली हो गया, दूसरा श्वसन नली हो गया और तीसरा स्वर नली हो गया। हमारा जो आवाज निकल रहा है कहां से निकलता है? गले से निकलता है, है ना। तो गले से निकलता है, तो गले से वहां तक इससे जुड़ा हुआ एक नली होता है जिसको कहते हैं स्वर नली। तो तीनों नलियां जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और तीनों का कार्य जो है कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जिस समय जिस उस नली से जिस समय जिसकी आवश्यकता होगी, वो नली के दरवाजा को एक संरचना द्वारा क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। मतलब दो संरचना को बंद कर दिया जाएगा, एक को खोल दिया जाता है, ठीक है। और खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? ग्लॉटिश, इपिग्लॉटिस जिसको कहते हैं, है ना। वो इपिग्लॉटिस जो है दरवाजों को जो है खोलने बंद करने का कार्य करता है। जैसे भोजन को जब हम निकल रहे हैं, भोजन जब अंदर जा रहा है, तो उस समय ये जो इपिग्लॉटिस किसको खोलेगा? पाचन नली को ही खोलेगा, है ना। उस समय दो नलियां बंद रहेंगे, स्वर नली भी बंद रहेगा और श्वास की जरिए श्वसन नली जो है वो भी बंद रहेगा। फिर भोजन अंदर चला गया, तुरंत तो दरवाजा बंद हो गया, कौन सा नली खुल गया? श्वसन नली। श्वसन नली हमेशा खुला रहेगा क्योंकि श्वास जो है आप श्वासोच्छ्वास लगातार आपके शरीर में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिस समय आप साउंड निकाल रहे हैं, आवाज निकल रहा है, उस समय वो नलियां बंद हो जाएंगी और कौन सी नली खुल जाएगा? स्वर नली, ठीक है। अब यहां पर हमारे बुजुर्गों का कहना है कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ना ही हंसना चाहिए। क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण ये है,
कि यदि हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और उस बीच में यदि हमें हंसी आ जाए, है ना, हंसी आ जाए तो नली कौन सा नली खुलेगा? आपके पाचन नली उस समय बंद हो जाएगा और स्वर नली खुल जाएगा। और जो भोजन को जो है पाचन नली में जाना चाहिए वो कहाँ चला जाएगा? आपके श्वसन नली में चला जाएगा। और जो श्वसन नली में चला गया वो कहाँ से निकलेगा? है कोई रास्ता? नहीं है, क्योंकि वो तो वापस मुंह में खुलता है ना, तो कहाँ निकलेगा वो? सीधे आपके ऊपर तालू में। और कभी कभी ऐसा होता है खाते खाते अचानक खांसी आ जाए या हंसी आ जाए तो उस कंडीशन में भोजन के पार्टिकल जो फंस जाता है, और फंसता है तो ऊपर तालू से निकलता है बाहर, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि उस समय नहीं हंसना चाहिए। नहीं हंसना चाहिए मतलब हंस रहे हैं या बात कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो नली, जिस नली का हमारा काम चल रहा है, वो का नली बंद होकर दूसरा नली खुल जाता है, जिसके कारण हमें अनावश्यक क्या होती है, परेशानी होती है। तो उस समय जब भोजन के पार्टिकल्स जब फंस जाता है तो आपको अनावश्यक रूप से उस समय खांसी आ जाता है। खांसी क्यों आता है? पाचन तंत्र की और उस नली की सफाई करने के लिए। यदि खांसी नहीं आएगा तो भोजन का पार्टिकल्स जहां फंसा है वहीं फंसा रहेगा, ठीक है। तो खांसी आता है तो वो साफ हो जाता है, ठीक। तो ये दूसरा भाग हो गया कौन सा? फेरिंग्स। जो मुड़ा हुआ होता है, मतलब शुरू में सीधा रहेगा और आगे चलकर मुड़ा रहता है और आगे चलकर एक संकरी नली में खुलता है, जिसको हम पाचन नली का या आहार नाल का जो है अगला भाग बोलते हैं ईसोफेगस या ग्रास नली। ईसोफेगस या ग्रास नली, या इसी को कहते हैं ग्रसिका, ठीक है। ये जो ग्रसिका जो होती है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो आंतरिक जो आवरण होता है, इसका जो आंतरिक सतह जो होता है विशेष प्रकार की उपकला उत्तकों से मिलकर बना हुआ होता है ना, विशेष प्रकार उपकला उत्तकों का से बना हुआ होता है, जिसमें संकोचन और शिथिलन होता रहता है, ठीक है। और इसका जो आंतरिक सतह जो होता है हमेशा चिकना रहता है, ताकि भोजन जो है आसानी से क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। यदि चिकना नहीं होगा और इसमें संकोचन शिथिलन नहीं होगा तो भोजन जो है यहां तक आया, आने के बाद क्या होगा, बीच में फंस जाएगा, लेकिन फंसता नहीं है कभी भी, ठीक है। वो नीचे उतर जाता है, क्योंकि ये जो है जिस समय भोजन यहाँ पे गुजरता है उस समय वो फैल जाता है, और जैसे ही भोजन आगे निकल गया उस समय वो फिर से वापस शिथिल अवस्था में आ जाता है ना। और चूंकि इसका मार्ग जो होता है वो चिकना होता है, इसलिए आसानी से भोजन जो है अगले नली में आकर खुलता है, एक चौड़ी गुहा वाली नली में, जिसको कहते हैं स्टोमक या आमाशय, ठीक है। यहाँ पर ये जो आमाशय है, ये आमाशय पाचक ग्रंथि के नाम से भी, मतलब पाचक ग्रंथि का भी कार्य करता है, पाचन अंग का भी कार्य करता है, दूसरा पाचक ग्रंथि का भी कार्य करता है। पाचक अंग का कार्य इसलिए करता है क्योंकि भोजन का पाचन होता है यहाँ पर। किस प्रकार के भोजन का पाचन होगा यहाँ? प्रोटीन का, ठीक है। जबकि आपके मुख गुहा में जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कौन कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है? आप जो चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, है ना, पेट भरने के लिए जिस चीज को आप खा रहे हैं, सब्जी को छोड़ दो, है ना, पेट भरने के लिए जिसको आप खा रहे हैं, चाहे रोटी खा, चाहे चावल को खाओ या भुट्टे का जो है उसको खाओ, फल को खाओ, वो उसमें सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है कहाँ पे हो जाता है? आपके मुख गुहा में। मुख गुहा में कैसे पचा? यहाँ पे क्या पाया गया, पाया जाता है, बताया गया, लार ग्रंथि, है ना। तो जैसे आप भोजन को अंदर लेते हैं, भोजन के पार्टिकल्स को अंदर लेते हैं, तो दांतों के द्वारा उसको क्या कहते हैं? पीसते हैं। उसी समय आपके लार ग्रंथि द्वारा लार निकलता है और वो लार जो होता है वो भोजन को क्या कर देता है? लुगदीदार बना देता है, लसलसा बना देता है, ताकि वो अंदर चले जाए, है ना। तो लुगदीदार बनाता है, इसके पीछे कारण यह है कि वो भोजन, जो भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट जटिल भोजन है वो वहां पर क्या हो गया, छोटे सरल अणु में टूट गया, ग्लूकोज के रूप में या फिर फ्रुक्टोज के रूप में, है ना। और शेष भोजन जो प्रोटीन युक्त है या वसा युक्त है, वो भोजन वहां पर नहीं पचेगा, बल्कि वो कहां आएगा? आमाशय में। अब जैसे ही भोजन आमाशय में आता है, वैसे ही आमाशय में आमाशयिक रस का या जठर रस का सिग्रेशन किया जाता है। जठर रस, है ना, इसको जठर ग्रंथि भी बोलते हैं, पाचक ग्रंथि या जठर ग्रंथि बोलते हैं। तो इसमें जठर रस का सिग्रेशन किया जाता है, जो और साथ में HCl का सिग्रेशन किया जाता है, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे जो आए हुआ भोजन का माध्यम, जिसका भोजन का जो माध्यम था वो क्षारी था। क्यों क्षारी था? क्योंकि लार जो है उसका नेचर होता है क्षारी,
मतलब उसकी प्रकृति, लार की प्रकृति क्या होती है, क्षारी होती है। तो क्षारी भोजन को एचसीएल क्या करता है, अम्लीय में कन्वर्ट करता है। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो भोजन अम्लीय माध्यम में पचता है वो कभी क्षारी माध्यम में नहीं पचेगा, मतलब क्षारी माध्यम में अपघटित नहीं होगा। और जो जो पदार्थ जो है क्षारी माध्यम में अपघटित होता है वो अम्लीय माध्यम में कभी भी अपघटित नहीं होगा। इसलिए मात्र यहाँ पर मुख गुहा में जो है प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन हुआ और बाकी शेष जो भोजन के जो भोज्य पदार्थ है वो कहाँ आ गए, आमाशय में। अब आमाशय में किसका पाचन होगा, प्रोटीन का। हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें किन किन चीजों में प्रोटीन होता है, क्या क्या, दाल, दाल खाते हैं है ना, मांस मछली खाते हैं है ना, या दूध पीते हैं है ना, या कुछ ऐसे द्विदाली पौधे वाले जो फल हैं उनको खाते हैं, जैसे मूंग की फली है ना, मूंगफली, उसमें भी प्रचुर मात्रा में होता है क्या, प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसका पाचन कहाँ हो जाएगा, आमाशय में। ये आमाशय से आगे एक नली जो है मुड़ी हुई होती है जिसको कहते हैं डीओ डीनम, एक मुड़ी हुई यूक्याकार की नली होती है यहां पर, इसको कहा जाता है ड्यूओडेनम। ये ड्यूओडेनम से एक अगला संरचना जुड़ा हुआ होता है जिसको कहते हैं लीवर, जिसको क्या कहते हैं, लीवर या कलेजा, यकृत है ना, बहुत सारे नाम है। मतलब किसी जीव के शरीर के आंतरिक भाग को देखें और सबसे ज्यादा डार्क गहरा लाल रंग में अगर वो कोई संरचना दिखाई देता है तो क्या होगा, यकृत होगा, लीवर होगा। ठीक है, इस लीवर के अंदर एक ग्रंथियां होती, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर जो होता है या पित्त ग्रंथि जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा पित्त रस का सीक्रेशन किया जाता है। ये पित्त रस भोजन का माध्यम यहां क्या था, अम्ली था है ना, और इसकी जो नली है वो आगे जाकर कहां खुल रही है, ड्यूरिनम में खुल रही है ना, ड्यूरिनम में खुल रही है। इसलिए यहां से जो भोजन आगे गया ड्यूरिनम में गया, वैसे ही यहां पे पीतरस का सिग्रेशन किया जाता है और वो पीतरस जो होता है यहां पर ड्यूरिनम में भोजन के साथ मिल जाता है और उसके माध्यम को पुनः चेंज कर देता है क्षारी में। ठीक है, यहां किसका पाचन हुआ है, मात्र प्रोटीन का पाचन हुआ है, पहले कार्बोहाइड्रेट का हो गया है ना। तो अब वसा युक्त जो भोजन बचा हुआ है वो वसा युक्त भोजन को पचाने के लिए फिर से किस प्रकार का माध्यम चाहिए, क्षारी माध्यम चाहिए। तो क्षारी माध्यम बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, पीत रस का सिग्रेशन किया जाता है, वो पीत रस इसके साथ आकर ड्यूडिनम में मिल जाता है और साथ में एक नीचे में और वो पाया जाता है, पाचक अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं पेनक्रियाज, अग्नाशय है ना, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस का सिग्रेशन किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस का सीक्रेशन किया जाता है। वो अग्नाशयी रस का नेचर भी होता है क्षारी है ना, और ये दोनों मिलकर ये जो भोजन में बचे हुए वसा युक्त जो भोजन होता है उस भोजन का पाचन कहां करते हैं, ड्यूरिनम और ये छोटी आंत के अंदर है ना। इसके आगे जो निकला हुआ है ये नली है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पर होता है अपेंडिक्स, और ये होता है मलाशय या एनस। तो यहां पर जो वसा युक्त भोजन जो है ड्यूरिनम और छोटी आंत में आकर क्या हो गया, पच गया। इसके अलावा और हम तीन पोषक तत्व ले रहे हैं, क्या क्या, विटामिन्स, खनिज लवण और पानी। ठीक है, तो इनको जिस रूप में हम लेते हैं उसको उसी रूप में उसका उपयोग किया जाता है ना। विटामिन्स को जिस रूप में लिया जा रहा है उसका उपयोग उसी रूप में होगा, उसी प्रकार आपके जो पानी जो लिया जा रहा है उसका उपयोग भी उसी रूप में होता है ना, और जो खनिज पदार्थ है उसका भी उपयोग जो है उसी रूप में होता है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। और तीन चीज को पचाने की या बदलने की आवश्यकता है, किसको किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को और वसा को। तो ये तीनों चीज का पाचन हो गया है ना, और पचकर भोजन कहाँ आया, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो पेट के अंदर जो है बहुत सारे मुड़ी हुई नलियां पाई जाती हैं उसी नली को कहते हैं
क्या, छोटी आंत, ठीक है। इस छोटी आंत में की कोशिकाओं जो एक विशेष प्रकार के वो पाए जाते हैं, मूलांकुर जिसको कहते हैं, है ना, या विलाई कहते हैं, ठीक है। ये विलाई का कार्य क्या होता है, अवशोषण की सतह को जितना हो सके बढ़ाना। तो छोटी आंत का कार्य क्या हुआ, वसा युक्त भोजन का पाचन करना। इसके अलावा जो पचा हुआ भोजन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट युक्त हो, चाहे वो वसा युक्त हो, चाहे वो विटामिन युक्त विटामिन हो, चाहे खनिज लवण हो, चाहे पानी हो, जो भी आवश्यक जो पदार्थ हैं, है ना, उन आवश्यक पदार्थों को यहां पे क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, विलाई की उपस्थिति में। विलाई क्या कर रहा है, अवशोषण की सत्ता को बढ़ा रहा है, मतलब उस समय वो फैला देता है नली को, जिस समय अवशोषण का कार्य हो रहा है। हमारा पाचन का तीसरा प्रोसेस क्या है, पोषण का तीसरा प्रोसेस क्या है, अवशोषण, है ना। तो अवशोषण का कार्य कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। और भोजन पच कर छोटी आंत जो है उस अवशोषित भोजन को कहाँ मिला देगा, रक्त में, रुधिर में, और रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विविध कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है। और शेष बचा हुआ जो अनपचा भाग है, अनपचा जो भोज्य पदार्थ है, वो कहाँ आएगा, बड़ी आंत में, ठीक है। और बड़ी आंत में आकर एनस के द्वारा उसको हम बहिक्षेपण की क्रिया द्वारा क्या कर देंगे, शरीर से बाहर त्याग देंगे, ठीक है। बड़ी आंत के द्वारा क्या किया जाता है, जो अनपचा भोज्य पदार्थ होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, और एक निश्चित समय के अंतराल में उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका मनुष्य का जो है पाचन तंत्र, जिसके विविध अंग का अलग अलग कार्य है। अब यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए आमाशय के बारे में। मनुष्य में जो आमाशय पाया जाता है, है ना, वो तीन लोब का मिल तीन लोबों से मिलकर बना हुआ होता है। मनुष्य में जो आमाशय होता है वो कितने लोब का बना रहता है, तीन लोबों का, ठीक है। इसमें से जो पहला लोब है या पहला जो भाग है वो कहलाता है कार्डियक भाग। यहां से लेकर यहां तक का भाग कहलाता है कार्डियक। ये बीच का ये वाला भाग कहलाता है फंडिक, और सबसे निचला जो भाग होता है ये कहलाता है पाइलोरिक, है ना। ये हो गया कार्डियक, ये हो गया फंडेक, और ये हो गया पाइलोरिक। कितने लोब हो गए, तीन लोब, ठीक है। अब यहीं पर यदि हम जुगाली करने वाले जंतुओं का आमाशय की बात करें, तो उनका जो आमाशय होता है वो चार लोबों को मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। चार लोबों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके कारण वो वनस्पति जो पदार्थ को ग्रहण करते हैं, पत्तियों को खाते हैं, है ना, घास को खाते हैं, सूखे घास को खाएंगे तब भी उसको आसानी से पचा लेते हैं। क्या हम पचा सकते हैं, क्या हमारे शरीर में पचेगा, घास पचेगा जी, सूखी पत्तियां पचेंगे, नहीं पचेंगे। क्यों नहीं पचेंगे, क्योंकि हमारा आमाशय जो है तीन लोब का बना हुआ है, जबकि जंतुओं का जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनका आमाशय जो है वो चार लोबों से मिलकर बना हुआ है। वो चार लोब कौन कौन से हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके आमाशय को क्या नाम से जानते हैं हम, रोमांथी आमाशय, जो चार लोबों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका पहला जो लोब होता है वो कहलाता है रूमेन, दूसरा जो लोब होता है वो कहलाता है रेटिकुलम, तीसरा लोब जो होता है वो कहलाता है ओशे ओमिश, ओमेशम, और चौथा जो लोब होता है वो कहलाता है एबोमेशम। इस प्रकार से चार लोब हो गए। इसमें से जो पहला लोब होता है वो बड़ा होता है और वो अस्थाई लोब होता है, ठीक है। इसी लोब में जो जुगाली करने वाले जानवर क्या करते हैं, पहले
उन एक समय एक का एक ही काम करते हैं वो, है ना। जिस समय उसको घास कुछ खाना है उस समय वो घास को खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब उनका वो आमाशय का जो लोभ है, ये वाला लोभ जो है जब भर जाता है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, और बैठने के पश्चात क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उस आमाशय में गया हुआ जो अर्ध पचा हुआ जो भोजन के पार्टिकल्स हैं उसको पुनः मुंह में बाहर निकालते हैं, है ना। अब पुनः बाहर निकाल कर उसको क्या करते हैं, फिर से चबाते हैं, और चबाने के बाद फिर से उसको निगलते हैं, तब वो कहाँ जाता है, रेटिकुलम में, तभी उसका पाचन होता है, ठीक है। जबकि ये सुविधा हमारे शरीर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उस भोजन हमारे शरीर में उसका पाचन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न आता है एक कि क्या कारण है कि जो जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं वो घास पत्ती को भी खाकर पचा लेते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, तो उसका कारण क्या हो गया कि हमारा जो आमाशय वो तीन लोबों से मिलकर बना हुआ है, जबकि जुगाली करने वाले जानवरों का जो आमाशय वो चार लोबों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा कारण है जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जिनमें रोमांथी आमाशय पाया जाता है, वो रोमांथी आमाशय युक्त जो जीव होते हैं उनमें सेलुलोज के पाचन करने वाले विशेष प्रकार के जीवाणु उनके आमाशय में उपस्थित होते हैं, जबकि हमारे शरीर में नहीं होते, है ना। हमारे शरीर में जीवाणु सेलुलोज के पाचन करने वाले जीवाणु नहीं होते, ठीक है। तो इस प्रकार से आमाशय की आमाशय हो गया, ठीक। तो ठीक है, आज आपने पाचन के अंतर्गत उसकी परिभाषा, पाचन के प्रकार, पाचक अंग, फिर मनुष्य का पाचन तंत्र और आमाशय के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू। नेक्स्ट कालखंड में अगला इसके भाग को पढ़ेंगे। बच्चों, अभी हमने जंतु पोषण के अंतर्गत जितने भी उसमें पाए जाने वाले जो आहार नाल के जो पार्ट्स होते हैं, उसके अंग होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। इसमें मैंने नार ग्रंथि के बारे में बताया था, मनुष्य में जो तीन जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं उनकी स्थिति के बारे में बताया था। उसमें जो दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि है उसकी स्थिति मेरे द्वारा गलती से ऊपरी तालु पर या ऊपरी छत पर पाया जाता है ऐसा मतलब बताया हूँ, वो जो कि गलत है। मनुष्य में जो लार ग्रंथि जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो एक जोड़ी लार ग्रंथि जीभ के जस्ट नीचे पाया जाता है, जिसको कहते हैं अधो जिह्वा। दूसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो जबड़े के नीचे जो मैक्सिलरी अस्थियां होती हैं उसमें पाया जाता है, जिसको सब मैक्सिलरी ग्रंथि या अधो हनु कहते हैं, अधो हनु। और तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है जो हमारे कान के मतलब जीभ के दोनों साइड के पीछे कान के जस्ट नीचे पाया जाता है, जिसको कहा जाता है उपकर्ण ग्रंथि। तो इस प्रकार से मनुष्य में जो तीन जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं उनकी स्थिति हो गई, जीभ के नीचे एक एक की संख्या में अधोजिह्वा कहलाता है, जबड़े के नीचे मैक्सिलरी ग्रंथि में वो एक एक की संख्या में एक कहलाता है अधोनु, और फिर दोनों जीभ के दोनों साइड अर्थात जीभ के पीछे कर्ण के पास जो पाया जाता है उसको कहते हैं उपकर्ण ग्रंथियां। दोनों कान के नीचे एक एक होते हैं इसलिए इन उपकर्ण ग्रंथियां हो गई। तो इस प्रकार से जो लार ग्रंथियां होती हैं वो तीन जोड़े होते हैं। फिर इसी चैप्टर में एक चीज और आपने पढ़ा था आमाशय के बारे में, ये भी आहार नाल का एक मुख्य भाग होता है। इस आहार नाल को गलती से मेरे द्वारा पाचक ग्रंथि कहा गया था जो कि गलत है। एक्चुअल में आमाशय के अंदर उसकी दीवार पर जठर ग्रंथि पाई जाती हैं, ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो पाचक ग्रंथियां हैं, इसलिए इसको सुधार लेंगे। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो होता है वो
मुख्य गुहा में आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन, जबकि मेरे द्वारा यहां पर गलती से कार्बोहाइड्रेट्स का मुख गुहा में पूर्ण पाचन बताया गया था। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स के जो जटिल संगठन है उसको लार में उपस्थित मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं, तो इन लार के द्वारा लार में उपस्थित जो प्रकीर्ण होते हैं या एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स इसको सरल अणुओं में तोड़ना शुरू कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का पूर्ण पाचन हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो छोटी आंत है उस छोटी आंत के इलियम में पूर्ण होता है। तो इस प्रकार ये जो गलतियां हैं इनको आप करेक्ट कर लेंगे।